वेलकम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं मार्केट जा रहा था। मार्केट जाने के दरमियान में हमें एक भाई साहब मिल गया जिनका नाम गुप्ता जी है, यहाँ सऊदी में। मैंने इनसे बात किया, ये सऊदी में कम से कम 10 साल से यहाँ है। और ये जो अभी सबसे पहले जब जो सऊदी आए थे तो 5 मीटर में आए थे, मगर अभी माशाल्लाह अभी मैकेनिकल फोरमैन में ये जॉब कर रहे हैं, यहाँ कनूज में ये जॉब कर रहे हैं। इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमने इनसे काफ़ी चीज़ें की जानकारी ली, तो इन्होंने बताया ये भी डिप्लोमा पास आउट है। विदाउट डिप्लोमा यहाँ सऊदी में मुश्किल है, अभी प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा है क्योंकि काउंसिल ऑफ सऊदी अरेबिया में सारा सर्टिफिकेट अपलोड होता है। इन्होंने मैंने बोला है कि आप बात करना चाहें कैमरा पर, तो इन्होंने अभी मना कर दिया है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा। पर इन्होंने अपने साथ में ये भी सिवान से हैं, बिहार से हैं, काफ़ी लंबे समय से सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, अभी कनूज में ये काम कर रहे हैं। मोस्टली मैंने सैलरी पूरा तो इन्होंने नहीं बताया, मगर 25 से 3 हज़ार के बीच में इन्होंने सैलरी बताया है। और अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। और अगर कोई भी आदमी सऊदी आना चाहता है फोरमैन के लिए या सुपरवाइज़र के लिए, तो कम से कम एटलीस्ट डिप्लोमा आप लोग कर ले तो बेहतर रहेगा। जैसा कि इन्होंने अभी रिसेंटली में 4 साल 5 साल पहले जब फोरमैन बनने से पहले डिप्लोमा किया है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बोल दीजिए गुप्ता जी लाइक करने के लिए। दोस्तों लाइक करें वीडियो को।